सनातन धर्म यात्रा में आपका स्वागत है। सनातन धर्म यात्रा संकल्प है राष्ट्र की युवा संघ परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज का, जिसके अंतर्गत राजस्थान के 33 जिलों की यात्रा, 5,00,000 युवाओं को संकल्पित करना, उनको संस्कारित करना, उनको हमारे वेद पुराण गीता की जानकारी देना और उसके उन बच्चों के मन में आत्मबल आत्मविश्वास पैदा करना, ताकि वो अपनी मंजिल को सही ढंग से प्राप्त कर सकें और समाज और राष्ट्र की सेवा करें। आज हमारा सौभाग्य है सनातन धर्म यात्रा के 26वें पड़ाव के अंतर्गत भीलवाड़ा के नंबर एक एकेडमी संगम में आने का अवसर मिला है और इस विद्यालय के बच्चे पूरी दुनिया में अपनी प्रतिभा का डंका बजा रहे हैं और ऐसे विद्यालय में आज पूज्य महाराज श्री के द्वारा बहुत सुंदर यहाँ पर प्रवचन दिया गया, बच्चों को बताया गया कि आपका आत्मविश्वास, आपका मनोबल कैसे डेवलप हो सकता है, कैसे विकसित हो सकता है। और निश्चित रूप से बच्चों का जो टैलेंट था वो भी दर्शनीय था, बच्चों ने बहुत सही ढंग से महाराज श्री के एक प्रश्न का उत्तर भी दिया। आइए संगम से आज के इस सुंदर कार्यक्रम की रिपोर्ट पुनः आपको दिखाते हैं। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब देखिए गीता हमारे हाथ में है, हम संकल्प करेंगे। आज पूज्य महाराज श्री संतोष सागर जी महाराज ने जो अनुपम दिव्य उपहार हमें प्रदान किया है, हम उसको पढ़ेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। क्यों? कि वो कृति है, वो उपहार है जो भगवान कृष्ण ने अपने सगा अपने मित्र अर्जुन को दिया। जब महाभारत का भीषण युद्ध हो रहा था, कुरुक्षेत्र में तलवारें चल रही थी, हथियार चल रहे थे, पर अर्जुन हताश हो गए, हारे, बिगड़े, रथ के पीछे बैठे। उस समय भगवान ने उनको मनोबल प्रदान करने के लिए, आत्मविश्वास देने के लिए गीता रूपी पाठ प्रदान किया और अर्जुन ने अपने परम लक्ष्य को प्राप्त किया, जीत दर्ज की। ठीक उसी तरह से गीता को पढ़ेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, अपने माता पिता गुरुओं के प्रति सदा रखेंगे, समाज और राष्ट्र की सेवा का संकल्प करेंगे और जो लक्ष्य में बाधा है उसको सही ढंग से प्राप्त करेंगे। बोलो भारत माता की जय। Thank you to Madam Principal, all the dignitaries present here, my dear teachers and my dear students. Amongst us this morning, we have Santosh Sagarji Maharaj from Bikaner. They are here to share about Sanatan Dharma Yatra and we'll be talking on the importance of Gita and its very... Bole Bharat Mata Ki. मंच पर विराजमान सभी प्रबुद्ध जन, सभी शिक्षकगण और मेरे सामने विराजमान सभी मेरे बहन भाई, आप सभी को मेरा प्रणाम। जैसे कि सर ने कहा, ये समय आधे घंटे का सत्र जो हम आप सबको मिला है, ये हमारे लिए बहु उपयोगी हो सकता है। तो हम एकाग्र चित्त होकर के आधे घंटे श्रवण करें, सुने। एकाग्र चित्त किसे कहते हैं पता है? एक ही जगह ध्यान देना। अब आप एक ही जगह ध्यान, यानी कि जो शब्द आपको मिल रहे हैं, दुनिया में सबसे बड़ा वेलफेयर यही होता है कि कोई अच्छी बात हमको कहीं से मिल जाए और वो अच्छी बात हमारे जीवन में क्रांति ला देती है, हमारे जीवन में बदलाव ला देती है। एक बड़ी सुंदर कहावत है हमारे वेदों की कि राजा पूज्यते स्वदेशे और विद्वान पूज्यते सर्वदेशे। एक राजा जिसके पास में बहुत बड़ा किंगडम है, अस्त्र है, शस्त्र है, आयुध है, धन है, पैसा है, मान है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है उसके पास में, पर उसकी पूजा कहां होती है? उसके राज्य में। पर एक ज्ञानी व्यक्ति जिसके पास में बहुत ज्ञान है, दुनिया भर का ज्ञान है, नॉलेज है, उसकी पूजा पूरी दुनिया में। वो जहां जाएगा वहां पर उसकी पूजा होगी। अब वो पूजा किसकी हो रही है? ज्ञान की हो रही है। आप ये देखेंगे हमारी सनातन संस्कृति में रामचरितमानस जानते हैं आप? रामायण जानते हैं ना? रामचरितमानस जो तुलसीदास जी महाराज ने लिखी, भगवान राम की कथा रामचरितमानस,
तो उस रामचरितमानस में दो पात्र हैं, एक का नाम है रावण और एक का नाम है राम। अब राम और रावण की तुलना में आप देखेंगे तो हर मामले में रावण जो है वो राम से आगे हैं। रावण का किंगडम राम से बड़ा और उसकी लंका भी किसकी थी पता है आपको? सोने की, गोल्ड की लंका। सोने की लंका और रावण के कितने माथे थे? पक्का देखा आपने? हैं? देखा तूने? कहां देखा? हैं? कहां देखा? हैं? पढ़ा था? कहां पढ़ा था? अच्छा दशहरे पे देखा था। रावण दहन में तो रावण के कितने माथे? 10 शीश। अभी मैंने कोटा में कार्यक्रम कहा तो एक लड़का मेरे से पूछने लगा, गुरुजी रावण के 10 माथे थे? मैंने कहा तो गुरुजी वो टी शर्ट कैसे पहनता था? मैंने कहा बात तो ठीक। गुरुजी वो दरवाजे में कैसे घुसता था? गुरुजी वो मुंह कैसे धोता था? लॉजिक है कि नहीं? अगर 10 शीश होंगे तो वो टी शर्ट कैसे पहनेगा, दरवाजे में कैसे घुसेगा? रावण के 10 शीश का मतलब है हमारे यहां पर चार वेद। चार वेद के नाम पता है आपको? बोलो। अरे वाह, वेरी गुड। हाँ, ऋग्वेद। अच्छा, चार वेद और 6 शास्त्र, टोटल कितने हो गए? इन 10 का नॉलेज रावण को था। और हम आज भी कहते हैं जिस जो आदमी दिमाग की ज्यादा पावरफुल होता है ना, दिमाग बहुत तेज होता है, तो हम कहते हैं यार इसके पास में कितनी खोपड़ी है, कितना तेज दिमाग है। तो रावण का दिमाग जो था वो बहुत तेज था, यानी वो बहुत बुद्धिमान था। तो किंगडम सोने की लंका, बाहुबल बहुत था उसके पास में, बुद्धिबल भी बहुत था उसके पास में। पर रावण और राम का जब युद्ध हुआ तो जीत किसकी हुई? राम की जीत हुई। अच्छा, राम उस समय वनवासी थे और उनके पास में केवल मेरी तरह ये 150 रुपए की धोती थी, उस समय 150 भी नहीं लगता होगा, और अकेले थे और एक धनुष बाण थे और एक छोटा भाई उनके साथ में था लक्ष्मण। कोई बड़ी सेना उनके साथ में नहीं थी, वो वानर और बानर अनट्रेड सेना थी। वो रावण के पास तो ट्रेड सेना थी। और ऐसी सेना को लेकर के, बंदर भालुओं को लेकर के राम रावण के साथ में युद्ध करते हैं। और उस अत्याचारी को, उस अन्यायी को जिसने देवताओं को हरा दिया, उसके घर में जाकर के राम ने रावण को मारा। किस ताकत से, किस पावर से? अरे वाह, अच्छाई। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? सोहम। राम और रावण में फर्क क्या है? आज हमारे शास्त्र ने रावण के बारे में कुछ नहीं कहा। रावण को तो हम जलाते हैं। उसके पास धन भी था, उसके पास में बुद्धि भी थी, उसके पास में एक बड़ा पद भी था, वो राजा था लंका का। जिस पद, जिस धन के पीछे आज हम आप दौड़ रहे हैं, वो सारी चीजें रावण के पास में थी। पर विजय किसकी हुई? राम की हुई। तो राम के लिए महापुरुषों ने लिखा, रामो विग्रहवान धर्म। इस लाइन को एक बार दोहराएंगे सभी, रामो विग्रहवान, यानी कि राम धर्म की मूर्ति है। और राम के पास में 3 चीजें थी, और वो 3 चीजें जिसके पास में होती है वो जिंदगी की किसी भी रेस में हार नहीं सकता। राम के पास में जो 3 चीजें थी, आप जानना चाहोगे वो 3 चीजें कौन सी थी राम के पास कि नहीं जानना? जानना है ना। आज राम की पूजा होती है उन 3 ही चीजों की वजह से। राम के पास में सबसे पहली चीज थी सत्य। क्या थी? ऑनेस्टी, सत्य। वो बड़े ऑनेस्ट थे, वो सत्य बोलते थे, उनके जीवन में झूठ नहीं था। आज बोला गया एक झूठ आपको 60 साल बाद में रुलाने के लिए पर्याप्त हैं। एक छोटी सी कहानी याद आ गई, सुनाओ। एक बार एक बुढ़िया थी 70 साल की, तो उसके पीहर से कोई उसके ससुराल में मिलने के लिए आया।
तो बुढ़िया एक बार तो खुश हो गई कि मेरे पियर से मुझसे कोई मिलने के लिए आया है, थोड़ी देर बाद में रोने लग गई। तो रोने लग गई तो उसके बेटे ने पूछा कि माँ, पियर से मामा जी आए हैं दूर के, तुम रो क्यों रही हो, पहले तो तुम खुश हुई। तो उस बुढ़िया ने कहा कि जब तुम्हारे नाना जी ने मेरा इस घर में विवाह किया था तो उन्होंने झूठ बोला था कि मेरी बेटी बीए पास है। कितने साल पहले? 60 साल पहले। तुम्हारे नाना जी ने झूठ बोल करके मेरा विवाह किया था कि मेरी बेटी बीए पास है। आज कितने वर्षों के बाद में मेरे पियर से कोई आया है, मुझे डर लग रहा है कि ये मेरी पोल न खोल दे। 60 साल के बाद में भी वो डर बना हुआ है कि ये मेरी पोल न खोल दे, ये न कह दे कि मैं 10वीं फेल हूं, मैं बीए पास नहीं हूं। यानी कि 60 साल पहले कोई झूठ बोला गया था, पर आज भी उसको भय लग रहा है, आज भी उसको डर लग रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर किसी भी इमारत को मजबूती से खड़ा करना हो तो उसका सबसे पहला स्तंभ, सबसे पहला खंभा क्या होना चाहिए? सत्य। हमारे जीवन में झूठ नहीं होना चाहिए। अगर आज हमने झूठ बोलना, झूठा दिखावा, झूठी बात की, हम कभी मम्मी से झूठ बोल जाएं, कभी पापा से झूठ बोल जाएं, कभी टीचर से झूठ बोल जाएं, ये हम उनको धोखा नहीं देते हैं, हम किसको धोखा देते हैं? खुद को देते हैं। तो जो अच्छे लोग होते हैं, जो राम के जैसा बनना चाहते हैं कि समाज उनकी पूजा करें, तो उनके सबसे पहले उनके जीवन में एक चीज होती है जिसका नाम है सत्य है। राम के पास में एक दूसरी चीज है जिसको कहते हैं करुणा, दया, दया, करुणा। हमारे पास में कोई रोता हुआ आए अपनी प्रॉब्लम लेकर के, तो वो हमारे पास से कैसे जाना चाहिए? जब वो वापस जाए तो कैसे जाए? खुश जाए, वो हंसता हुआ जाए, वो मुस्कुराता हुआ। हम अपने आप को इतना सामर्थ्यवान बनाएं, हम अपने आप को इतना पावरफुल बनाएं। अब किसी को खुश करने के लिए अपने पास में वो सामर्थ्य तो होना चाहिए ना। तो हमारे पास में कोई, आप देखोगे एक सेंट की शीशी होती है ना, इत्र की शीशी, आप उस इत्र की शीशी को कहीं पर भी खोल दो, उसका ढक्कन कहीं पर भी खोल दो, क्या बिखरेगी? खुशबू। हमारा जीवन भी इत्र के जैसा होना चाहिए कि हम जहां बैठे, जहां जाए, केवल खुशबू ही फैलाएं। तो हमारी दूसरी चीज हमारे अंदर में क्या होनी चाहिए? दया। हमें दूसरों पर दया आनी चाहिए, उनकी कोई समस्या हो तो उस समस्या का समाधान हम कर सकें, ऐसी व्यवस्था हमारे पास होनी चाहिए। तीसरी चीज है प्रेम। क्या है? प्रेम। हमारे पास दूसरों के लिए नफरत न हो, क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द एक वातावरण होना चाहिए, एक आवरण होना चाहिए, किसका? प्रेम का। और उस प्रेम की वाइब्रेशन में जो भी आए वो भी अपनी नफरत भूल जाए। ये तीन चीजें हमारे अंदर में होनी चाहिए। और एक चौथी और दिव्य चीज राम के पास में थी जिसका नाम था पराक्रम। क्या था? राम बहुत पराक्रमी थे, वो अगर किसी के ऊपर दया भी करते थे तो दुष्ट को दंड देने में भी वो संकोच नहीं करते थे। दया, प्रेम, करुणा, सत्य, और उसके अलावा एक चौथी चीज थी पराक्रम। वो बहुत पराक्रमी थे, वो चुनौतियों का डटकर के सामना करते थे, वो डरते नहीं थे। और जिसके जीवन में सत्य होता है ना, वो कभी किसी से डरता ही नहीं है। आदमी के डरने का पहला कारण होता है झूठ। तो राम बहुत पराक्रमी थे, तब जाकर के उन्होंने रावण को मारा, क्योंकि वो आतताई था। हाँ, उनको डर ही नहीं था कि कुछ होगा, क्योंकि उनके जीवन में क्या था? सत्य। तो हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? सत्य होना चाहिए। सत्य, दूसरा क्या बताया? दया, और तीसरा प्रेम। ये तीन चीजें। अब हम एक दूसरे व्यक्तित्व की बात करते हैं, राम की बात की। आज आप सब छोटे छोटे बच्चों को देख करके मेरा बड़ा मन हो रहा है कि कुछ मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बता जाऊं। हालांकि मेरा विषय 10th क्लास से ऊपर के बच्चों के लिए है, पर आज आप लोग मुझे गुलाबी गुलाबी फुलवारी मिली हो तो मैं आज अच्छी अच्छी बातें आपके साथ में करना चाहूंगा। एक दूसरा
भगवान का ही स्वरूप, जिनको हम कहते हैं कृष्ण। तो आज हमारा विषय राम और कृष्ण ही है। तो कृष्ण से हमें क्या सीखना चाहिए? कृष्ण जिनका जन्म कहां हुआ? जेल में जन्म हुआ। और जेल से निकल करके वो कहां चले गए? एक चीज बीच में रह गई, एक और। हाँ, कहां गए? गोकुल गए। श्री कृष्ण जेल से निकल करके कहां गए? और जन्म में उनके माता पिता का नाम क्या था? अरे वाह, तो यार संगम के बच्चे तो बड़े इंटेलिजेंट है, आपको तो कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है, इतना नॉलेज आपको है। एक बार अपने टीचर्स के लिए ताली बजाइए, जो आपको इतनी अच्छी, बस थोड़ी सी, तीन बार, जो आपको इतना अच्छा अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। तो कृष्ण के माता पिता का नाम क्या था? देवकी और वसुदेव। और आपको पता है कि जन्म लेते ही कृष्ण को उनको छोड़ना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि एक बच्चा जब जन्मे और जिन माता पिता ने जन्म दिया उन मम्मी पापा को छोड़ना कितना कठिन होता है, होता है ना? आप कभी हॉस्टल में गए होंगे, घर को कभी छोड़ना पड़े, मम्मी पापा को छोड़ना पड़े तो बहुत तकलीफ होती है। कृष्ण को जन्म लेते ही अपने मम्मी पापा को छोड़ना पड़ा। और एक छोटे से गांव में, विलेज में, जिसका नाम था गोकुल। गोकुल यानी एक छोटा सा गांव। और उस गांव में श्री कृष्ण जाकर के रह रहे हैं और वहां पर उनको एक मम्मी पापा मिले जिन्होंने उनको गोद लिया, पाला। उनका नाम था नंद और यशोदा। उन्होंने पाला, पाल करके कृष्ण को बड़ा किया। कृष्ण का जीवन वैसा नहीं है जैसा हम नाटकों में और धारावाहिकों में देखते हैं। आज बच्चे कृष्ण के बारे में कितना जानते हैं? एक कृष्ण थे और एक राधा थी, कृष्ण और राधा थी। इससे ज्यादा हम कृष्ण के बारे में नहीं जानते हैं। आपको पता है कृष्ण इस धरती पर कितने वर्ष रहे? 125 वर्ष। और 11 वर्ष तक श्री कृष्ण गोकुल में रहे। 11 वर्ष से वो वहां से वृंदावन आए, फिर वृंदावन से मथुरा आ गए। तो 11 वर्ष तक श्री कृष्ण ने माखन खाया, जो आप मटकी फोड़ते हो ना माखन, फोटो देखे होंगे आपने। तो ये कब तक खाया? 11 वर्ष तक श्री कृष्ण राधा के साथ में खेले। और 11 वर्ष तक ही श्री कृष्ण ने मुरली बजाई। उसके बाद में वो मथुरा आ गए और मथुरा से उज्जैन चले गए। और जैसा आपका विद्यालय है ना संगम, वैसे ही उज्जैन में सांदीपनी ऋषि का आश्रम, और श्री कृष्ण ने वहां पर विद्या अध्ययन किया। और वो विद्या अध्ययन किया उन्होंने, जो पढ़ते हैं हम 64 डेज, 64 दिनों में सारी विद्याओं को श्री कृष्ण ने ग्रहण कर लिया। अब इस बात पर थोड़ा सा हम विस्तार करते हैं, क्या ये संभव है कि बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा ज्ञान अल्प समय में हमको प्राप्त हो जाए? आज हम निश्चित सीरियल वाइज, सीरियल पहले 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, क्लास वाइज क्लास हम पढ़ाई कर रहे हैं। पर क्या उस क्लास के साथ साथ हम इतने मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं कि हमें दुनिया भर का नॉलेज, दुनिया भर का ज्ञान, हमको श्री कृष्ण कितने टैलेंटेड हैं? श्री कृष्ण को तैरना भी आता है, श्री कृष्ण इतने बड़े म्यूजिशियन है कि वो जब बांसुरी बताते हैं तो सारे लोग खड़े हो जाते हैं उनको सुनने के लिए। श्री कृष्ण एक बहुत बड़े योद्धा भी हैं, श्री कृष्ण एक बहुत बढ़िया राइटर भी हैं, श्री कृष्ण एक बहुत बढ़िया स्पीकर भी हैं, यानी कि उनके अंदर में सारी सारी योग्यताएं हैं, वो मल्टी टैलेंटेड है। ये सारी चीजें हमारे अंदर भी आ सकती है। इसके लिए सबसे जरूरी चीज है एकाग्रता। क्या है? श्री कृष्ण के पास में वही था। हम दो चीज का संकल्प लें, सबसे पहला विकल्प के बिना संकल्प, बोलिए ना, विकल्प के बिना, समझते हो इस बात को? विकल्प यानी चुनाव, ऑप्शन।
हम संकल्प जो करें उसमें ऑप्शन की जगह न छोड़ें। आज बच्चों में क्या होता है पता है, उनका अपना कोई गोल नहीं होता, उनका अपना कोई स्वप्न नहीं होता, वो ये सोच ही नहीं पाते अपने आप से कि मुझे क्या करना है। कोई पड़ोसी का बच्चा डॉक्टर की तैयारी कर रहा है तो हम भी सपना देख लेते हैं कि हमें भी डॉक्टर बनना है। कोई मामा का लड़का इंजीनियर बन रहा है तो हमने भी सपना देख लिया कि मुझे भी इंजीनियर बनना है। कोई भुआ का लड़का साइंटिस्ट बनना चाहता है तो हमने भी उसके साथ में समय बिताया और हमारे मन में भी आ गया कि हमें भी साइंटिस्ट बनना है। हमारे पास में तरह तरह के विकल्प होते हैं, ये कर लूँ, कभी ये कर लूँ, कभी वो कर लूँ। अगर आपको सफल होना है, श्री कृष्ण ने 11 वर्ष की आयु में ये तय कर लिया कि मुझे क्या पढ़ना है, मुझे कैसा बनना है और मुझे क्या करना है। आप भी आज ये तय करें और एक संकल्प लें कि मुझे ये ही करना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है, और वो संकल्प जिसमें विकल्प का कोई खाना न रहे, तब जाकर के आप उस संकल्प के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर पाएंगे। समझ गए मेरी बात? विकल्प के बिना संकल्प। एक दूसरी चीज है अत्यंत पुरुषार्थ। बोलो एक बार और दोहराओ। अगर इसको मैं और गहराई में कहूं तो अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, अपने आप को मेहनत की भट्टी में झोंक देना और हार्डवर्क, इतनी मेहनत करना अपने गोल के लिए, अपने सपनों के लिए, इस राष्ट्र को कुछ देने के लिए। श्री कृष्ण ने अल्प समय में 64 दिनों में ये सारी चीजें सीख ली, क्योंकि उनका संकल्प एक था, उन्होंने पुरुषार्थ किया और उस संकल्प और पुरुषार्थ के साथ में उनके अंदर में एक चीज थी जिसका नाम था एकाग्रता। क्या था? एकाग्रता, एक ध्यान, फोकस। और ये कैसे आता है पता है? श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक है, आप उसको भी दोहराएंगे मेरे पीछे, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आहार, आहार का मीनिंग, आहार किसे कहते हैं? खाना। आहार का मतलब केवल भोजन से, रोटी से नहीं है, आहार का मतलब, आहार ध्यान से सुनना सारे बच्चे भाई, एक एक बात आपके लिए बहु उपयोगी है। हम आहार तीन जगह से लेते हैं, कितनी जगह से? पहला आहार मुख से, दूसरा आहार नाक से, कौन खाता है? पहला आहार, दूसरा, तीसरा कान से। मुख से जो खाया वो हमारी बॉडी में जितना असर करता है ना, उतना ही असर जो हमने आंख से देखा वो भी करता है, उतना ही असर जो हम कानों से सुन रहे हैं वो भी करता है। मैं अक्सर उदाहरण देता हूं, महात्मा गांधी के तीन बंदर थे, और क्या था उनका रूल्स, क्या थे उनके? बुरा मत देखो, बुरा मत, और बुरा मत बोलो। यूरोप में ऐसे ही तीन स्टेचू है बंदर के, जिसमें उन्होंने आधा मुंह ढक रखा है, आधी आंख ढक रखी है, एक आंख ढक रखी है और एक कान ढक रखा है। इसका मतलब क्या है पता है? हाँ अरे वाह, बहुत सुंदर जवाब, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? है, हर्ष ने सबको हर्षित कर दिया। 25 वर्ष तक तो हमें खूब मेहनत करनी है, हमें एकाग्रचित होना है। अच्छा, एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन मैं सबसे पूछता हूं, तो आपसे भी पूछूंगा और उसका क्विकली फटाफट आपको जवाब देना है, जिससे मुझे ये भी पड़ जाए, पता पड़ जाए कि आपका दिमाग कितना पावरफुल है। पूछ लूं? पूछूं? रेडी? तो आज जिसने फास्ट जवाब दिया, हमारे श्याम सुंदर जी चांडक, हमारे राधा कृष्ण जी सोमानी साहब, इनसे मैं आपको बढ़िया इनाम भी दिलाऊंगा, जिसने क्विकली फटाफट जवाब दिया। प्रश्न करूं? रेडी? फटाफट जवाब देना है। मेरा प्रश्न ये है कि 10 लाख का चेक भरना हो तो कितना जीरो लगेगा? छे, 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 छे,
सात जीरो लगेगा, सात, सात वाले हाथ ऊपर करें, ने छह लगेगा, ने सात लगेगा, पांच लगेगा, अच्छा छह वाले हाथ ऊपर करें। अच्छा एक बात बताऊं, अभी तक इस यात्रा में मैं ढाई लाख सवा दो लाख करीबन बच्चों से मिला हूं, जिसमें IIT, LLB, MBA, CA, BEd, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में, पर जितना फास्ट जवाब संगम एकेडमी में मिला उतना फास्ट जवाब कहीं नहीं मिला। बहुत बढ़िया, तो कितना जीरो लगेगा? अच्छा एक जीरो हटा दो, चेक की वैल्यू रहेगी। अच्छा एक जीरो और हटाओ, एक जीरो और हटाओ, एक जीरो और हटाओ, एक और हटाओ, एक और हटाओ। अब वैल्यू है कितनी? वैल्यू है हाँ एक की वैल्यू है। अब हमारे जीवन में वो एक क्या है जिससे हमारी वैल्यू है? अच्छा आपके सर जिस कुर्सी पर बैठे हैं, इस कुर्सी की चार टांगे हैं, है ना? ये कुर्सी है, इसकी कितनी टांगे हैं? चार टांगे। एक टांग निकाल दो तो कुर्सी क्या होती है? गिर जाती है। सर भी अच्छा लगेगा? हमारे जीवन में भी चार स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है बुद्धि बल, दूसरा स्तंभ है बाहुबल, तीसरा स्तंभ है धन बल, और चौथा स्तंभ है आत्मबल। क्या है? चेक की वैल्यू जीरो से नहीं है, जीरो को आप एज इट इज रख दो और एक को हटा दो, वैल्यू नहीं है ना। तो उसी प्रकार हमारी जो डिग्रियां हैं स्कूल में, जो हम बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहे हैं, उससे केवल जीरो की तरह वैल्यू बढ़ती है, और उस वैल्यू का आधार क्या है? एक है, और वो एक जिसको हम कहते हैं आत्मज्ञान। क्या कहते हैं उसको? हम कहते हैं अध्यात्म। मैं क्या हूं? आत्मज्ञान। दुनिया में बहुत सारी चीजें हम करते हैं, पर अपने मूल स्वरूप को, अपने सुख को हमने भूले। हम अपने आप को समझ लें तो दुनिया समझ में आ जाएगी। आज हम दुनिया को तो समझते हैं पर अपने आप को नहीं समझ पाते हैं। तो अपने आत्मबल को, बाहुबल, धन बल, बुद्धि बल तभी काम आता है जब हमारे अंदर में क्या होता है? आत्मबल। और वो आत्मबल, वो हिम्मत कहां से आती है पता है? स्कूल में जो किताबें आप पढ़ रहे हो ना, उस किताबों से आपका बौद्धिक बल तेज हो जाता है। और एक वन ऑन एक किताब है जिसका नाम है भगवत गीता। भगवत गीता वो क्या प्रदान करती है? दुनिया के टॉप जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं आप देखोगे, चाइनीज, इटालियन, फ्रांसीज, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, हर एक भाषा में एक किताब पढ़ाई जाती है, जिस किताब का नाम है भगवत गीता। हमारे भारत में जितनी भी टॉप पर्सनैलिटीज हैं, आप उनकी बायोग्राफी अगर पढ़ेंगे तो उनके जीवन में भी एक कॉमन बात मिलेगी, उनके जीवन में क्या है? भगवत गीता। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, वो अगर किसी को भी भारत की तरफ से कुछ गिफ्ट करना हो तो क्या करते हैं? भगवत गीता, यानी कि भगवान कृष्ण के द्वारा दिया गया एक दिव्य और उत्तम ज्ञान है जिसका नाम है, जो हमारे आत्मबल को सुंदर बनाता है। आप में से कोई भगवत गीता पढ़ी है कभी किसी ने? आपने पढ़ा? पूरा याद है? कुछ भी याद नहीं है? एक श्लोक तो क्या पढ़ा तुमने उसमें? आजा बेटा आप ऊपर आ जाओ। और कोई बच्चों में से किसी को आता है श्लोक? आजा बेटा, क्या नाम बेटा आपका? कृतिका। एक बार कृतिका के लिए ताली बजा दो पहले। कृतिका कितने श्लोक आते हैं आपको? एक बोलो और उसका मीनिंग भी सबको समझो। नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भाव्यत नास्ति नातस्य कुतः सुखम। मीनिंग मतलब हमेशा इंसान को जीवन में शांति बनाए रखनी चाहिए। कैसी भी सिचुएशन हो कभी भी हमको हाइपर नहीं होना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए, हर सिचुएशन का शांति से उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए।
एक श्लोक, और उस एक श्लोक में कितनी कितनी बातें आपने कह दी, धैर्य, हाइपर नहीं होना, पैनिक नहीं होना। हम छोटी छोटी बातों पर हाइपर हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, वो खाने में लेट, ढंग की ड्रेस नहीं मिली, ढंग के कपड़े नहीं मिले, हमने जैसा चाहा वैसा नहीं हुआ, तो हम हाइपर हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। गीता का ये एक श्लोक इतनी बड़ी शिक्षा दे गया। ऐसे ऐसे 700 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? और उन हर एक श्लोक में दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन, सबसे बड़ा ज्ञान और उत्तम ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान भरा हुआ है। मैं आप लोगों से ये निवेदन करूंगा, जितने भी बच्चे, अगर वास्तविकता में आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, अपने जीवन में हैप्पीनेस चाहते हैं, और अपने आप को भारत के समृद्ध नागरिकों में सम्मिलित करना है, तो आपके पास में गीता के जैसा अनमोल ज्ञान होना चाहिए। और आपको एक बात बताएं, हमने परसों ही पढ़ा था, एक कंट्री है जिसका नाम है सऊदी अरब। क्या नाम है? और सऊदी अरब में जो प्योरली मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पर भी भारत के ग्रंथों को, रामायण और गीता को पाठ्यक्रम में लागू कर दिया गया। भारत के साहित्य को, भारत के इतिहास को, भारतीय संस्कृति को, भारत के जीवन के मूल्यों को वो लोग सीख रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम उनसे दूर होते जा रहे हैं। तो हमें दूर नहीं होना है। हम भारत में जन्मे हैं, क्या आपको इस बात पर गर्व है? हम सनातन संस्कृति में जन्मे हैं, क्या आपको इस बात पर गर्व है? अब इस संस्कृति को जानना, इस संस्कृति को मानना और इस संस्कृति को जन जन तक पहुंचाना, ये हमारी ड्यूटी है। और उस ड्यूटी को पूरा करने के लिए हमें इसके बारे में पहले नॉलेज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं चाहिए? आपके पास में इतना दिमाग है, आप हजारों किताबें पढ़ते हैं, तो क्या एक ये छोटी सी किताब आप नहीं पढ़ सकते? क्या इसका नॉलेज आप नहीं ले सकते? इतना पावर नहीं है क्या हर्ष आपके पास? हर्ष, इतना पावर है कि नहीं है? दिमाग में पढ़ सकते हैं ना? कोशिश। तो हम अपने समय में से 24 घंटे में से रोज 15 मिनट 20 मिनट अपने आत्मा के लिए, अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए, अपनी हिम्मत को बढ़ाने के लिए रोज 15 मिनट 20 मिनट किसकी स्टडी करें? भगवत गीता की। रोज एकाद श्लोक याद करने का प्रयास करें, उसका मीनिंग समझने का प्रयास करें, और जिस चीज को सीखने की चाह होती है ना, तो उसका रास्ता हम खोज लेते हैं। कोई चीज़ सीखनी होती है तो तुरंत हम यूट्यूब कर लेते हैं कि नहीं कर लेते? और वो कहाँ बनी, कैसे बनी, क्यों बनी, उसका मतलब क्या, सारा खोज लेते हैं कि नहीं खोज लेते? जिस चीज़ को जानना है, आज बहुत साधन है जानने के लिए। तो आपको अगर गीता को जानना है, तो आज इसके संस्कृत में बहुत सारे यूट्यूब पर ऑडियो हैं, उससे आप श्लोक सीख सकते हैं, उनका मीनिंग सीख सकते हैं, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से पूछ सकते हैं। और ये बहुत ही बड़ी औषधि है अपने आत्मबल को मजबूत करने के लिए। तो अगर ये किताब आज मैं आपको गिफ्ट करूं, तो आप लेंगे? कौन कौन लेगा? पक्का आप भी लेंगे? क्या नाम आपका? सॉरी, खड़े हो जाओ एक बार। लेंगे आप? क्या करेंगे? पढ़ेंगे आप हर 15 मिनट? पर ये बहुत बोरिंग है बेटा। आप इसको खोलेंगे ना, तो इसमें संस्कृत है, एक तो कनिष्ठ भाषा है, आपने कभी पढ़ी नहीं होगी। तो इसमें लिखा है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युद्ध सव माम कहा पांडवास चेव किम कुरुवत संजय। फिर आप कैसे पढ़ोगे इसे? दादी के पास में बैठ करके। और दादी को अगर नहीं आया तो? हाँ, घर में किसी को आ जाएगा, और जब आप पूछोगे नहीं आएगा, तो कम से कम वो सीखेंगे जरूर। जब आप मम्मी से पूछोगे ना कि बताओ इसका मतलब क्या है, तो वो सीखेंगी जरूर। तो आपके बहाने से मम्मी भी सीख जाएंगी। अरस, क्या कह रहे हो आप? इसमें हिंदी भी है बेटा? इसमें हिंदी भी है? हाँ, इसमें हिंदी भी है। हिंदी में आप इसको पढ़ सकते हैं, पर आपको इसको चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करना है कि जब तक इसको मैं समझ नहीं लूंगा, तब तक इसका पीछा। पक्का? पक्का पढ़ेंगे? अच्छा, ये ना हो कि कल स्कूल में आओ, टीचर्स पूछे कि हर्ष होमवर्क किया? बोले टीचर मैं गीता पढ़ रहा था। हाँ, इसको आपको 15 मिनट रोज देना है। 15 मिनट रोज इसको पढ़ना है, एकांत में बैठ करके, नहाए बिना नहाए, छत पर, गार्डन में, कभी भी, ट्रैवलिंग में, कहीं पर भी, पर रोज इसको 15 मिनट इसका अध्ययन आपको
करना है, समझ में नहीं आएगी क्योंकि जो हमारे बुद्धि की बाहर की चीजें थोड़े कठिनाई से समझ में आती है, पर आप कोशिश करोगे, मम्मी से पापा से टीचर से पूछोगे तो रोज इसका अध्ययन करें। और ये किताब मैंने मात्र 15 दिन में याद की थी, और आप कितने दिनों में याद कर सकते हो? एक महीने में। चलो मैं आपको 2 महीने देता हूं, क्योंकि 2 महीने के बाद में मैं वापस यहां आ रहा हूं भीलवाड़ा। तो सर मैं आ सकता हूं संगम में? हाँ, तो 2 महीने बाद आप मुझसे मिलना चाहेंगे? पक्का? और हम किस पे चर्चा करेंगे? तो आज मैंने आपसे कई सवाल किए, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे मिलूं तो आप मुझे इस गीता में से, आप राइटिंग में लिखना, मेरे से कम 100 सवाल आप करना गीता में से, जो समझ में नहीं आए आपके वो आप राइटिंग में लिखते रहना। और जब नेक्स्ट टाइम 2 महीने बाद हम मिलें तो हम किस पे चर्चा करेंगे? पक्का पढ़ेंगे? तो प्रॉमिस के लिए दोनों हाथ ऊपर खड़े करने पड़ेंगे। पक्का? सबकी फोटो आ रही है? तो कब मिल रहे हैं? एक साथ बोलो, कब मिल रहे हैं? किस पे चर्चा करेंगे? प्रॉमिस। ओके, जय हिंद जय भारत। परम आदरणीय संतोष सागर जी महाराज के श्री चरणों में वंदन नमन, और बहुत ही सुंदर बच्चों के साथ में संवाद किया, और जो बच्चों को शिक्षा दी, आध्यात्म शिक्षा, बिकॉज नॉलेज सभी में होता है जो अपन विद्या अर्जन करते हैं, बट बुद्धिमता के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है अध्यात्म और इंट्यूशन पावर। किसी को कहते हैं इसमें जो है वो इंट्यूशन पावर आपको अध्यात्म से मिलती है। अध्यात्म का मतलब जो जो अपने सनातन संस्कृति है, और भगवत गीता भगवान कृष्ण ने स्वयं ने कही है, इसमें सभी वो चीज़ें हैं जो आपको हर परेशानी से अगर आप एकाग्र होकर समझेंगे तो उसका समाधान भी इसमें मिल जाएगा। एक बहुत ही साइंटिफिक भगवान स्वयं ने कही है, और गीता सापेक्ष है, और 18 अध्याय है, और भगवान की 18 वांग्मी मूर्ति का इसमें वर्णन किया गया है पहले ही अध्याय के अंदर। और पहला शब्द शुरू होता है धर्म क्षेत्र, धर्म में के क्षेत्र में जिनकी बुद्धि हो, और जो लास्ट श्लोक है गीता का मतिर मम, जिनकी धर्म में बुद्धि हो और मन हो तो उसमें भगवान कृष्ण अपने आप विराजते हैं, और सब में कृष्ण है। और एक श्लोक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो मैं शेयर भी करना चाहता हूँ वो है योग क्षेम वहाँ में हम। भगवान कृष्ण ने कहा है कि सबको वरदान दिया है कि आप जो चाहें वो ले सकते हैं, अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्ति का संरक्षण, योग क्षेम वहाँ में हम। और दूसरे श्लोक में उन्होंने कहा है कि उसका रास्ता भी बता दिया कैसे, वो योग कर्मेशु कौशलम, जो भी कार्य करें आप पूर्ण मनोवियोग के, अपनी कुशलता के साथ, कर्मयोगी बन के, ज्ञान के साथ, बाहुल्य के साथ, जो आपका ताकत है उसके साथ करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। और हम सब सफल जीवन के लिए यहाँ हैं, कुछ न कुछ महर्षि ने कहा जीवन में कुछ पाना है, एकाग्रचित होके अपने टैलेंट को, सब में कुछ न कुछ भगवान ने दिया है, पहचानने की बात है, वो एकाग्रता से, अध्यात्म से और आत्मबल से आप आगे ले सकते हैं। तो मेरा इतना ही सबको महर्षि के समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संगम स्कूल में आप पधारे, और सभी बच्चों का जिन्होंने एकाग्रता से बड़ा अच्छा मनन किया और अच्छे प्रण किया उन्होंने, और उसके लिए मैं आप सभी का और संगम स्कूल के सभी बच्चों का, स्टाफ का, और पधारे हुए खास तौर से श्याम जी, सोमानी जी, राधे श्याम जी, सब लोगों का भी धन्यवाद कि उन्होंने महर्षि के चरण यहाँ पे रहे। माता जी जय, भारत माता जी जय, भारत माता जी जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब देखिए गीता हमारे हाथ में है, हम संकल्प करेंगे। आज मुझे महाराज श्री संतोष सागर जी महाराज ने जो अनुपम दिव्य उपहार हमें प्रदान किया है, हम उसको पढ़ेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, क्योंकि वो कृति है, वो उपहार है जो भगवान कृष्ण ने अपने सगा अपने मित्र अर्जुन को दिया। जब महाभारत का भीषण युद्ध हो रहा था, कुरुक्षेत्र में तलवारें चल रही थी, हजार चल रहे थे, पर अर्जुन हताश हो गए, हारे, बिगड़े, रथ के पीछे बैठे, उस समय भगवान ने उनको मनोबल प्रदान करने के लिए, आत्मविश्वास देने के लिए गीता रूपी पाठ प्रदान किया, और अर्जुन ने अपने परम लक्ष्य को प्राप्त किया, जीत दर्ज की। ठीक उसी तरह से गीता को पढ़ेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, अपने माता पिता गुरुओं के प्रति सदा रखेंगे, समाज और राष्ट्र की सेवा का संकल्प करेंगे, और जो लक्ष्य हमें पाना है उसको जय दिन से प्राप्त करेंगे। बोलो भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संगम एकेडमी का।